ओए ओए, अरे भाई, ओ ये जो नाग है, मेरे को तो ये नाग कम नेवला ज्यादा लगता है। तू जब देखो तुम्हें खाने की पड़ी रहती है, पहले जल्दी से कुछ काम कर लिया जाए। जहां चल रहे हैं वहां पहले जाके कुछ दर्शन कर लिया जाए। बहु बट मेरे को खाना है, मतलू अरे खाना है मेरे को, उसके बाद करूंगा। अरे घसीटा ना, इस मोटू को समोसे खिला दो वरना जीना मुश्किल कर देगा। आशुवास यादव, नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष निषाद, मैं हूँ जौनपुर से रहने वाला और मैं लोगों के आवाज़ें निकालता हूँ, लगभग 100 से प्लस आवाज़ें निकालता हूँ, कलाकार हूँ। आज दो कलाकार मिमिक्री आर्टिस्ट साथ साथ हैं, मैं चाहूँगा कुछ जादू हो जाए दर्शकों के लिए। जी, सबसे पहले सर मैं चाहूँगा आप सर स्टार्ट करें। अरे भैया, मेरा नाम है जॉन, जॉन टू डॉन, जॉन बनी का डॉन, जॉन बनी का डॉन। हो बड़ा भैया, मेरा नाम है मोटू, खाली पेट मेरे दिमाग की बात नहीं चलती। हो समोसे समोसे, अरे मोटू, अरे बटलू, अरे पतलू कहाँ गए तू? हो समोसे खिला दे। अरे मोटू, जब देखो तुम्हें खाने की पड़ी रहती है, पहले जल्दी से कुछ काम कर लिया जाए। जहाँ चल रहे हैं वहाँ पहले जाके कुछ दर्शन कर लिया जाए। बहु बट मेरे को खाना है, मतलू अरे खाना है मेरे को, उसके बाद करूंगा। अरे घसीटा ना, इस मोटू को समोसे खिला दो वरना जीना मुश्किल कर देगा। अरे थैंक यू, मैं खा लिया घसीटा राम, अरे थैंक यू। ए भैया, इन कॉकरोचे मेरे नाक में दम कर दियो। नहीं छोड़ूंगा, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। भाजन वाले, मुझे माफ कर दो भाजन वाले, मैंने तुमको गाली दी ना, अरे मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। जानी, हम जिस नाग के पास जा रहे हैं वो नाग नहीं, एक नंबर का नगौड़ा है, वो एक नंबर का पकौड़ा है। हम जा रहे हैं जानी इस नाग के पास। आओ बेटा साईं, हम तुमको उस नाग का दर्शन करा देते हैं जो बहुत ही विशाला और बहुत ही विशाल है। बेटा साई, अम्मा साई के पास जाकर बताना नहीं बेटा, कभी नहीं बताना। ओए ओए, अरे भाई, ओए जो नाग है, मेरे को तो ये नाग कम नेवला ज्यादा लगता है। ओए मैं कहता हूँ उसके पास आराम से रहना, वरना ऐसा ना हो कि म्युनिसिपैलिटी वाले उसे उठा के ले जाए। ओए अरे साला, तुमको क्या देनी कही, क्या देनी कही, हमारी फसाओ हम तुमको देगा। हाय, अगर इधर ये जो डाक लॉकिंग का खेल है ना, हम तुमको जरूर दिखाएगा, समझा क्या? हाय। ए बाबूजी, अरे बाबूजी, आपने ऐसा कैसे कहा यार? बाबूजी, मैं आपके सुनैना से बहुत प्यार करता हूँ बाबूजी, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। ये बेटा, बात प्यार की नहीं होती है, बात जिंदगी निभाने की होती है। बाबूजी, तुमसे मैंने कहा था ना कि मैं एक दिन तुम्हारे लिए बहुत प्यारी सी सुंदर सी दुल्हनिया लेके आऊंगा, आज वह लेने जा रहा हूँ बाबूजी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप आशीर्वाद दे रहे हो ना बाबूजी, आप दीजिए। अरे क्या बात है, अरे तेरे नाम का कुत्ता पालो, अरे साला सांप पकड़ने जा रहे कि नेवला, अरे कुछ पता ही नहीं है। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात है। अरे बाबूजी, अरे आज मैं उस डाक डाकिन के पास जा रहा हूँ जिसने मुझे परसों से सपनों में आके डराया और सपनों में मुझे अपने पुनर्जन्म की याद दिलाने की कोशिश की है। अरे बाबूजी, अरे आइए मैं भी आपको दिखाती हूँ, ऐसे उंगे उठाते हो, इसके बाद आपको मैं नेचर का पूरा नाग और नागिन की दुनिया को दिखाती है, समझा क्या? क्या बात है? अरे भाई साहब देखिए जो है, आए, अरे जा जा जा, नाग नागिन है भाई साहब, मैं इनसे क्या बात है, क्या बात है, अरे मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि नाग जो है मुझसे बच कर रहे भाई साहब, ऐसा ना हो कि नेवला बनकर डर से आए। अरे जो है, हाँ हाँ,
मजा रहे। ओए 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 बच्चे तू मुझे डराना चाह रहा है। सॉरी यार तुरिया बेकार, अबे तो अपने लूटा खैर बेकार लगता मेरे किस चेहरे बेटी वाह चाह पानी करता एक एक को बार दूंगा सांप को ऐसे पकड़ूंगा कि वो भी कहेगा कि हेला बचाएगा। हे ऐसा थोड़ी होता है। ए सब चक्कर यार जिधर जा रहे ना यार उधर बहुत बड़ा डाक है यार। मेरी बात को बैठ तू भी मेरे साथ में चले आ बुढ़िया बिस्तरा पाल और चले आ। ए वाह सब चक्कर यार हम जहाँ जा रहे हैं हमें पता चला है कि वहाँ बड़ा है विशाल का नाग और नागिन का वास है। आज हम आप सभी को दिखाएंगे। मालती मैं आ रहा हूँ मालती। जानवर है ये, कितना भी खाता है पर भूखा ही रहता है। चाहे जितना भी खिला दो मगर हमेशा भूखा ही रहता है। बड़ा अजीब किस्म का जानवर है ये। अरे बाबा बाबा ये साला मेरे को खाने के बाद दारू चाहिए। अरे बाबा ये राजू ये श्याम मेरे को दारू ला के दे रहे वो ना सारे मोहल्ले को टंकी में मिला के पिलाएगा। अरे राजू ये कोतिया साला तू किधर गया रे। यह देवी प्रसाद ये कौन देवी प्रसाद ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। मैं राजू मैं स्टार गैराज के मालिक बोलता है बाबूराव गणपत राव आपटे समझा क्या। वाह क्या बात है क्या बात है बहुत सुंदर। भैया आप कहते हो लड़की के चक्कर मत पड़ो बट अगर लड़की नहीं मिलेगी तो मैं किसके चक्कर पड़ूं आपके चक्कर में। डोंट एंग्री मी क्या माल है यार। भैया नाग नागिन का जो अफवाह उड़ा है हम आज वहीं चल रहे हैं आप सबको दिखाएंगे आप लोग लाइव देखिएगा। बस बकाई मत करिए आप लोग समझे तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। अरे मित्रों भाई और बहनों मैंने देखा कि एक नाग नागिन वाला एक पुनर्जन्म की कहानी बताता है कि मैं पिछले जन्म में नाग था। अरे आप लोग बताइए क्या कोई पिछले जन्म में नाग नागिन हो सकता है क्या। क्या वो नाग नागिन बन सकता है क्या मित्रों भाई और बहनों। है ना ऐसा थोड़ी होता। मैं जिस नाग के पास जा रहा हूँ वो कहीं मेरा जादू तो नहीं है। मेरा लगता है वो जादू है वो उसको उसकी यादाश्त से दी गई है तभी वो ऐसा कहता है। मैं कहती थी वो जरूर सही हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ ना मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ मैं आऊँगा